देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपको अगर लगता होगा कि दंगल ने बाहुबली 2 का पीछा छोड़ दिया है तो नहीं, अब यहाँ पर जापान में दंगल परफॉर्म जो कर रही है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है बाहुबली 2 से। चलिए बताता हूँ, दंगल एक्चुअली आपको बता दूँ रिलीज़ हुई थी 6 तारीख को, कहाँ पर, जापान में। चलिए बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इन दोनों फिल्म के बारे में। पहली बात तो ये बता दो कि दंगल का जो ओपनिंग वीकेंड का रिपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर रहा है बाहुबली 2 से। वो कैसे, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 41 लोकेशंस पे रिलीज़ हुई थी कब, दंगल फ्राइडे को, और कितने लोग देखने आए थे, 1,265 लोग। सैटरडे को 2,515 लोग, संडे को 2,439 लोग, 2,439, और टोटल 6,219 लोगों ने फिल्म देखी है अभी तक। ठीक है, कितने लोकेशंस थे, 41 लोकेशंस। 41 लोकेशन यानी कि इतनी जगह फिल्म लगी थी, 41 जगह, फिर 38 जगह संडे को। अब यहीं अगर बात करें हम दंगल एडमिशन्स की, तो 13,822 यानी कि पहले दिन का जो एडमिशन्स की बात थी, 20 लोकेशंस के हिसाब से अगर बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छी थी बाहुबली की पहले दिन की बात करें दंगल से। लेकिन दूसरे दिन लोकेशंस काफ़ी गिर गई किसकी, बाहुबली 2 की, लेकिन दंगल की लोकेशन दूसरे दिन दुगनी हो गई करीबन करीबन। संडे को और भी बेहतर हो गई, लेकिन थोड़ा सा कम था फर्स्ट सैटरडे से, और यहाँ पर अगर देखो तो संडे को लोकेशंस चली गिर गई थी। लेकिन आप ये भी ध्यान दो कि लोकेशंस यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 20 20 20 लोकेशंस है, तो लोकेशंस के हिसाब से भी कम रिलीज़ हुई थी। तो उस हिसाब से देखिए तो बाहुबली भी बेहतर परफॉर्म की थी, ऐसा नहीं कह सकते कि हम उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और एडमिशन इसका 3,000 वही 3,039 था। ठीक है, तो टोटल 3 दिन की हम बात करें तो 3 दिन का ही लेंगे क्योंकि उसे मंडे इंक्लूड किया जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना एडमिशन्स के हिसाब से फ़िलहाल तो दुगनी चल रही है, लेकिन हाँ लोकेशन इसको ज़्यादा मिला, आई मीन जो जगह पे रिलीज़ हुई है वो 41 जगह पर, और दंगल वहीं बाहुबली 20 जगह पर रिलीज़ हुई थी, तो एक अच्छी खासी बात है। वो अलग बात है बाहुबली 2 की स्क्रीन्स बाद में बढ़ाई गई, आई मीन लोकेशन ज़्यादा और बढ़ाई गई और जगह रिलीज़ की गई, लेकिन उस हिसाब से दंगल बेहतर परफॉर्म कर रही है। उम्मीद है कलेक्शंस बेहतर आएंगे, जिससे भी कोई अपडेट पता चलता है दंगल कलेक्शंस का जापान का मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, बाहुबली जो रिलीज़ हुई थी वो 29 दिसंबर को आई थिंक रिलीज़ हुई थी, 28 या 29 दिसंबर, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, बट आई थिंक 29 दिसंबर जहाँ तक मेरे को लगता है। चलिए फिलहाल इतना ही।